हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 24 मई को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी जीके जेएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और करंट अफेयर का लेवल कैसा होता है और जीके जेएस जो पूछते हैं उसका लेवल कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2030 एशियाई खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो 2030 में एशियाई गेम्स होंगे वो कौन सा देश है जो इसका मेजबानी करेगा 2030 में एशियाई गेम्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर दोहा 2030 में एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 में हुआ था चीन में, 2026 में होगा कहाँ जापान में, 2030 में कतर दोहा में, और उसके बाद 2034 में होगा सऊदी अरब में। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भुवनेश्वर में स्थित जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। तो लिंगराज मंदिर को सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा। और किस शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। और 13वीं शताब्दी में जो कोणार्क का मंदिर है वो बनाया गया था, वो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा गया था कि कोणार्क मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में की राजधानी भुवनेश्वर में वो किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था, सोमवंशी राजवंश के द्वारा, और सजा कौन था? ययाति केसरी। ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवंशी राजवंश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये किस पर निहित होता है? राज्यपाल में। सबको पता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर निहित होता है। ये किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया, किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है? तो ये अनुच्छेद 156 में कहा गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। आप इस जो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे वो सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था पूछा कि प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो यह साइना नेहवाल की आत्मकथा है। और साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि लज्जा पुस्तक, देखिए पुस्तक का नाम हम लोग कभी भी नहीं सुने थे, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? पेपर जो था ईजी भी नहीं था, मॉडरेट मान के चलिए ईजी टू मॉडरेट समझ लीजिए, उतना आसान भी नहीं था उतना हार्ड भी नहीं था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लिमा नसरीन। आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्लिमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भारतीय संगीतकार सभी सिविलियन अवार्ड जीता है, यानी कि जो भारत रत्न हुआ, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री, तो ये चारों सिविलियन अवार्ड जीता है। कौन सा भारतीय संगीतकार? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जो चारों सिविलियन अवार्ड जीते हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन आते हैं? भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। पॉइंट को भी याद रखिएगा, सीरीज में वहाँ पर सीरीज बैठाने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है कौन बड़ा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मे देम मे फी ये पुस्तक देखिए, मे दम मे फी त्यौहार पुस्तक नहीं है त्यौहार है सॉरी पूर्वजों की एक पूजा का उत्सव है किस राज्य का? ये उत्सव है मे देम मे फी, मे दम मे फी किस राज्य का उत्सव है? तो ये असम का उत्सव है, आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसजेंडर नर्तकी जो नटराजन है उसको किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? तो इसको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री मिला था। किसे? नटराजन को। भरतनाट्यम कहा कि जो नृत्य है तमिलनाडु की, आप इसे याद रखिएगा। कथकली हुआ, उसका मोहिनीअट्टम ये केरल का है, उत्तर भारत का कथक, ये सारे पॉइंट आप जितना भी क्लासिकल डांस लैंग्वेज आप उसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे गहरा कौन? एकमात्र है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो परमाणु क्रमांक 3 पता ना, हेलिना करूर अब से पर्याप्त, हाइड्रोजन लिथियम नियोन होता ना, तो लिथियम का होता है। परमाणु क्रमांक 3 किसका? लिथियम का। आप इस जो क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि करंट से, देखिए 2022 का करंट पूछा है,
कि एनसीईआरटी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया 2022 का करंट में पूछा है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसे जनवरी 2021 में, देखिए 2021 का भी करंट पूछा था, 2022 में भी, 22 का भी, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना था? जैसा को, अमित शाह के बेटे हैं जैसा, इसी को चुना गया है ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। और इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर ACC का तो कोलंबो श्रीलंका में है, दोनों बातों को याद रखिएगा। उसके बाद ICC वो कहाँ है, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात जो है देश, उसी के दुबई शहर में ICC का मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। उसका अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है कि रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन को मिले थे जो हम आपको बता दिए, सारे क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है और यही सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं, जो पूछा उसी को हम करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डाको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद।